बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाबिद इस्माइल वीकली रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग देखें तो एक बेरिश नोट पे हुई है। इससे लास्ट वीक में मैंने आपको काफी था, यहाँ पे जरा कॉशियस रहें क्योंकि यहाँ पे डोजीज, जिसको हम इंडिसाइसिव बोलते हैं टेक्निकली, डोजीज यहाँ पे बनना शुरू हो गए थे। तो और इसमें बेरिश जो है सिग्नल हमको मिला था प्रॉफिट टेकिंग, और मैंने भी कहा था आपको कि आप भी प्रॉफिट टेकिंग करें, जिसमें भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको आप जरूर जो है प्रॉफिट टेकिंग, इसमें जो हो रही है उसके साथ आप भी अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। अच्छा, दूसरा ये कि ये यहाँ पर एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। वॉल्यूम देखें तो इसमें ये 687 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और लास्ट वीक में भी जो है सेवन, यही समझे तकरीबन 704 मिलियन, 687 मिलियन, ये मतलब ये अब ये थोड़े से वॉल्यूम, कम वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आ रही है। जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बना था वो यहाँ पे बना था 100 तकरीबन 1 बिलियन का, और इसके बाद फिर 1 बिलियन का यहाँ से फिर ये डोजी बनना शुरू हुआ, फिर अगेन जो है 1 बिलियन का यहाँ पे ये वॉल्यूम जनरेट हुआ। इसके बाद कम वॉल्यूम से ये डोजी बना, फिर कम वॉल्यूम से ये मार्केट नीचे आ रही है। अच्छा, टेक्निकली अगर हम देखें तो ये 3 जून को जो है ये कैंडल बनने शुरू हुई थी। इसका लो था तकरीबन 71,900 का, 800-900, फिर यहाँ से इसकी जो क्लोजिंग आई थी वो 73,700 थी, और यही इस वक्त जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीकली पे। ठीक है, ये मैं आपको दे दूँ, ये इसकी बॉडी है, यहाँ पे ये, इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये इस वक्त वीकली पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वायर एक्टिवेट हुए थे, बल्कि हम इसको एरिया ऑफ वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे हो सकता है ड्यूरिंग जो है ड्यूरिंग द वीक या ट्रेडिंग आवर में ये 71,900 ये इसको टच कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये भी काफी दूर नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि पहले तो ये मैं आपको इसकी सिंक्रोनाइजेशन आपको बता दूं। जैसे यहाँ पर ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये हायर टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है MA5, तो यहाँ पे देखिए इसको इसने ब्रीच करके नीचे क्लोजिंग दी है इसका। वैसे तो अगर देखे MA5 जो था 79,400 के अराउंड था, तो 79,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, या बल्कि टू बी ऑन द सेफ साइड अगर देखें तो 79,900, ठीक है, ये अच्छा लेवल है, क्योंकि ये इसी की जो ओपनिंग थी और यहाँ क्लोजिंग नीचे आई है। तो ये ओपनिंग से ऊपर अगर कोई कैंडल बनती है तो मार्केट मजीद अपसाइड परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, फिर आ जाए पीछे थोड़ा बैक टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। जरा यहाँ देखें बैक टेस्ट अगर करें तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे MA5 जो था 74,800 के अराउंड था, और मार्केट जो है वो क्लोज हुई थी 73,700, तकरीबन 600 समथिंग जो पॉइंट है उसका डिफरेंस था उसका MA5 में और मार्केट क्लोजिंग में। इसी तरह यहाँ पर भी देखें तो MA5 जो है वो 79,400 के राउंड है, और मार्केट जो क्लोज हुई है वो 78,000 के राउंड हुई, तो इसमें भी तकरीबन 600 सवा 600 ऐसी पॉइंट का जो है डिफरेंस यहाँ पर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं RSI की तरफ भी देख लें। अच्छा, यहाँ पे RSI जो था वो 67 के अराउंड था, या 68 समझ लें, 67 तो 7.95 है, 68 जो है RSI था यहाँ पे, और यहाँ पर भी RSI 69 के था, तो तकरीबन सेम RSI था, सेम सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब उसकी इंडिकेशन हमको मिलेगी इसकी कंफर्मेशन से या निगेशन से। तो यहाँ पे देखें अगर ये बेरिश कैंडल बनी थी तो इसके आगे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर मार्केट अब, और इसकी क्लोजिंग जो है ऑब्वियसली 79,400 या CPR का जो लेवल अभी मैंने बताया था आपको 79,900, तो ये एक अच्छा लेवल होगा, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं फॉर फर्दर अपसाइड। और उम्मीद तो यही है, क्योंकि मैंने अभी इन्फ्लेशन का भी आपके साथ जो है टेक्निकल चार्ट शेयर किया था फेसबुक ग्रुप में भी, और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक पेज पे भी, और दूसरे भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर भी मैंने ये शेयर किया था कि डिस्काउंट रेट को जो है वो CPI ने क्रॉस कर दिया डाउन साइड की तरफ। और वैसे भी अभी जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ संडे को 28 जुलाई, और 29 जुलाई मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है, तो और एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली यही है, टेक्निकली भी यही नजर आ रहा है कि मार्केट सॉरी MPC में जो है वो हम इसमें रिडक्शन देख रहे हैं डिस्काउंट रेट में बिटवीन 100 to 150 basis points। तो अगर वहां पे कोई हमें अच्छी खबर मिलती है MPC की तरफ से तो मंडे को मार्केट जो है हो सकता है यहाँ कोई डोजी बनाए, क्योंकि जैसी बातें वही अगेन इनडिसाइसिव होगा। मैं आपको डेली से समझा देता हूँ कि डेली में भी
ये 7 जून को क्या हुआ था, ठीक है, मगर हम इधर आ जाए, 12 जून हो गया, 11, ठीक है, ये देखें, ये 7 जून को यहाँ डोजी बना था, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई डोजी फॉर्म हो, यहाँ पे भी डोजी फॉर्म हो, ये एक्चुअली यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन ये मार्केट और नीचे आई। अच्छा, अभी इसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा और समझा दूं। देखें, यह मार्केट यहाँ से इंडेक्स ने इसको ब्रीच किया, MA5 को, 75,200 के अराउंड था, तो यहाँ पे एक कैंडल बनी, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं कैंडल जो है डोजी बना यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह अब हम यहाँ पे भी सिनेरियो देखें, यहाँ से ब्रेक किया इसको 19 जुलाई को, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और देखें आप, ये मंडे का दिन है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई इसी तरह का कोई डोजी बने, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में बन सकता है, मॉर्निंग स्टार डोजी जो है वो बन सकता है यहाँ पे छोटा सा। तो उसके लिए यही है कि जो CPR का लेवल है, इसको यहाँ पे कोई विक बन सकती है, 76,800, 76,700, यहाँ इसी एरिया के अराउंड। जैसे अगर हम ये भी लेवल जो है इसका नेकलाइन सपोर्ट, यहाँ से पहले भी इसने सपोर्ट ली थी ये 14 जून को, तो ये हो सकता है इसको भी रिटेस्ट करे आगे जाके, यहाँ ये वाला लेवल जो है 76,180, तो ये एक अच्छा लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कोई वीक बनती है और यहाँ पे कहीं क्लोजिंग आती है, जो इसकी क्लोजिंग, इसके अराउंड भी क्लोजिंग आती है 78,000 के अराउंड। वैसे तो मैंने कहा था कि 78,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फर्दर अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। तो ऐसी बात है, एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन बहुत से लोगों के होगा कि अगर ना हुआ तो ये इनडिसाइसिवनेस रहती है लोगों में, तो हो सकता है यहाँ कोई डोजी फॉर्म हो, और जिस तरह मैंने कहा, होपफुली इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी MPC के हवाले से, तो ये मार्केट अपसाइड परफॉर्म कर सकती है। तो अगेन वही सिनेरियो मैं आपको वीकली से फिर आपको समझा दूं, वही नजर आ रहा है कि यहाँ से कोई अपसाइड मूवमेंट देखते हैं, कैंडल बनती है बुलिश कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर मार्केट मजीद अपसाइड अपनी मूवमेंट दिखा सकती है। अच्छा, इसमें जो बीच में जो हर्डल आएगा, जो पहले भी हम यहाँ देख चुके हैं, वो एक तो ये है 81,900 का, और इसी की हम जो है ये नेकलाइन सपोर्ट ले लेंगे, इसी इस कैंडल की जो बुलिश कैंडल हुआ था, तो इस बुलिश कैंडल में देखें यहाँ पे क्लोजिंग आई थी 80,000 के अराउंड, फिर इसके बाद देखें 80,000 पे क्लोजिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी जो हम देखेंगे तो थोड़ी सी क्लोजिंग आई थी 80,000 के करीब ही आई थी, ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं हुआ, तो हम इसको ले लेंगे। चले, ये जो डोजी बना था, ठीक है, इसकी हम क्लोजिंग और हाई, ठीक है, ये हम ले लेंगे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी होगा, इसको अगर ब्रेक करे तो मजीद मजीद अपसाइड हम मूवमेंट देख सकते हैं। हो सकता है 87,000 तक भी, जो उसका जो पिविटल रेजिस्टेंस है वो 87,000 के अराउंड बन रहे, हो सकता है मार्केट वहां पर भी इसको रिटेस्ट करे आने वाले दिनों में। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी, यहाँ लिख देता हूँ BT, ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी यहाँ पे है, बिटवीन 80,100 to 81,900। इसके ऊपर मजीद अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है अच्छे वॉल्यूम और विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि लास्ट वीक में जो है 10.6 ट्रिलियन रुपीज का था मार्केट कैपिटलाइजेशन, और यहाँ पे 10.4 हो गया, तकरीबन 2 ट्रिलियन जो है इस वक्त मार्केट से आउट हुए हैं। वो वजह यही है कि यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखी है, तो लोगों ने यहाँ पे मतलब अगर देखें तो इतना कोई सिग्निफिकेंट कमी नहीं आई है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, तो अभी भी कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये जाहिर सी बात है ऑब्वियसली 10 ट्रिलियन पे आ जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है तो ये बेरिश कैंडल भी कंटिन्यूशन रहेगी, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो सकता है, तब उसमें फिर हम देख सकते हैं कि मजीद मार्केट नीचे आएगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ CPR के मदद से कि ये वाला लेवल बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, 76,800 का, 76,180, 76,100, ये वाला लेवल जो है ये बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर सकती है अपने आप को। इस लेवल पे भी कोई, जिस तरह मैंने पहले ही बोला है, यहाँ कोई डोजी बन सकता है, ठीक है, या फिर कोई बुलिश कैंडल इसको अपसाइड पे, क्योंकि वीक की है, मैंने आपको डेली भी समझा दिया था, वहां पे जो है कोई डेली पे यहाँ पे वो बन सकता है डोजी वगैरह, और इसके बाद कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर मजीद अपसाइड इस पे हम देख सकते हैं। तो ट्रेड की स्ट्रेटेजी वही होगी जो आपको पहले बताया कि अपसाइड पे अभी भी आपने सेल करना है, ठीक है ना, एटलीस्ट ये 79,900 तक जो है, या 80,100 जो है, यहाँ तक आपने सेल करना है, ये सब सेलिंग एरियाज है सारे, ठीक है ना। बहुत से लोग, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत से लोग कहते हैं और ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री में आएगा तो ब्रेकआउट होगा, ऐसा नहीं है। ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि यहाँ हैवी सेलिंग विटनेस की जा रही है,
अगर इसी एरिया में बायर एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर मार्केट मजीद अपसाइड दिखाती है, लेकिन अभी इस एरिया में आप देखेंगे सेलिंग विटनेस की जा रही है। यहाँ पे देखेंगे रिजेक्शन आ रही है, इस लेवल पे रिजेक्शन आई 80,700 पे, फिर इसके बाद मार्केट और उससे ऊपर गई 80,900 पे, गए फिर रिजेक्शन, फिर और ऊपर गई 81,900, तो वहां पे भी रिजेक्शन आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि 80,100 से लेके 81,900 तक जो है वीकली पे बता रहा हूँ, तो हम यहाँ पे सेलिंग देख रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे विटनेस की जा रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से मैंने अच्छी खबर आती है, तो फिर आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर है जिसको हम शॉर्टली में अगर बता दूं LSM बोलते हैं, तो LSM जो है जिसमें आपका सीमेंट है, रिफाइनरी है, ऑटो है, स्टील है, ये सेक्टर जो है आप इनको फोकस कर सकते हैं, तो ये आगे जाके मजीद जो है इंडेक्स में इजाफे का सबब बन सकता है ये सेक्टर जो है, तो इनको आप फोकस पे रखें। अच्छा, दूसरा एक इवेंट है रोल ओवर वीक के वाले से, सॉरी रोल ओवर जो आपका जो लोन है वो चाइना और सऊदी अरब का, वो भी रोल ओवर में एक्सपेक्टेशन है कि वो रोल ओवर में चला जाएगा, कि वो तकरीबन रकम बनती है $9 बिलियन की, तो वो हो सकता है कि रोल ओवर में चला, और काफी उम्मीद है कि रोल ओवर में चला जाएगा। तो एक ये इवेंट है, फिर एक IMF का इवेंट है, तो वहां उसमें भी उम्मीद है कि ये जो है मजीद जो है लोन मिलने की इसमें उम्मीद है। जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो तकरीबन आखिरी मराइल पे है, और ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी रिलीज हो जाएंगे, तो होपफुली मार्केट हम अपसाइड पे ही देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, टेक्निकली मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप स्टॉप लॉस लगा के काम करें। ठीक है, डेली पे अगर हम मैं देख लूँ तो डेली पे एक नजर डाल लें तो RSI देख लेते हैं, डेली 46 पे, तो हो सकता है जिस तरह मैंने आपको बताया था ये 40 पे अगर आ जाए, 40 और इसके नीचे अगर आता है तो फिर ये ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा, तो वहां से हम अपसाइड विटनेस कर सकते हैं, जिसको हम शार्प रिकवरी बोलते हैं। और अगर हम आवली भी देखें तो ये ओवरसोल्ड जोन में रहे, तो शॉर्ट जो है टाइम फ्रेम में भी जो है शॉर्ट ग्राफ पे ओवरसोल्ड जोन में एंटर हो चुकी है मार्केट, तो यहाँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसमें रिकवरी देख सकते हैं, अगर ये सस्टेन कर जाता है एटलीस्ट ये वाला लेवल जो है मिडिल बैंड 78,600 को, ये वीक ऑन वीक बेसिस पे मेंटेन रहता है, क्योंकि ये देखिए ना एक्चुअली ये इसका ये इसकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही है, ये एक्चुअली सपोर्ट ये है, मैं आपको यहाँ पे भी एक ये लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये है सपोर्ट एरिया इसका, ग्रीन कलर दे देता हूँ, लेकिन अब इसकी सिंक्रोनाइजेशन CPR से हो रही है, ठीक है, CPR और कभी कभी जो है ये प्राइस एक्शन कभी कभी आपस में सिंक्रोनाइज करे जाते हैं, लेकिन मैं CPR क्योंकि मैं पिविट से लेता हूँ, और मैंने आपको बताया हुआ है कि आप पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड में जाके आप कोई भी आप ले लें, फिबोनाची वाले ले लें और बहुत से उसमें ऑप्शन है, ट्रेडिशनल ले लें, तो कुछ भी आप जाके उसका आप उस पर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसमें आपकी आप मास्टरिंग हो जाएगी। तो अभी इस वक्त जो देखें मेरे हिसाब से तो 78,600, यहाँ 78,500 बता रहा है नेकलाइन सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस सॉरी, तो ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर जाता है एटलीस्ट 78,600 का और इसको मेंटेन करता है वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।